Hello, praise the Lord, Jai Masih Ki, Jai Shu, Chuzai. मेरे YouTube चैनल जिमनी ब्लॉग पर आप सबका मैं स्वागत करती हूँ. और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से. तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्या है. यहाँ पे हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, पटना जाने वाली ट्रेन जो कि 7:30 बजे है. और इससे पहले भी हम लोग जस्ट लोहरदगा से रांची पहुँचे हैं जो कि 6:15 पहुँच जाती है शाम में. और इसलिए हम लोग अभी पटना वाली ट्रेन का वेट कर रहे हैं. तो ट्रेन में हम लोग बैठ चुके हैं अभी. ये मेरी फ्रेंड सुधा है जो कि पटना में ही रहती है. और ये मेरी फ्रेंड है निशी, मेरी पड़ोसन है. और हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं. और पटना में मेरा ही काम है और वो मेरे साथ साथ देने के लिए वो जा रही है. फर्स्ट टाइम विदाउट पेरेंट्स घर से बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि घर में कोई है नहीं जो कि हम लोगों के साथ जाए, क्योंकि मम्मी बाहर रहती है और पापा घर में हैं, वो घर भी रहते हैं. तुमको कुछ कहना है तो बोलो. कैसा लग रहा ट्रेन में? बहुत 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 अच्छा. बोर नहीं लग रहा है? तुम्हारे पास फोन नहीं है, तुम्हें बोर नहीं लग रहा है? तुम्हारे पेट भर गया ना? पेट भर गया ना? बस वाटर नहीं. वाटर मिल जाएगा. अरे तो कौन खाएगा तब? तुमको सबसे ज्यादा भूख लगा था, तुम खाओगे? अच्छा, आप तो कुछ नहीं खोजेगी ना? ठीक. मैया की वजह से हम लोगों का टाइम बीत गया, पता नहीं चला कब सो गए. Thank you.
पहुंच रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटना। ट्रेन अभी रुकने वाली है। तो सुबह हम लोग 6:15 बजे पहुंच गए थे पटना। उसके बाद जो भी हम लोगों का काम था उसे करने के बाद हम लोग ये गंगा नदी देखने के लिए गए हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहाव किस तरह से बह रहा है। तो नदी का जो पानी है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि जो पानी हम देख रहे हैं वो बहुत सारे चट्टानों को, पहाड़ों को तोड़ता हुआ यहाँ तक बहता हुआ आया है और वो बहता ही जा रहा है। वैसे ही हमें हर एक मुश्किलों को पार करके बढ़ते ही जाना है। आज हम लोग को रिटर्न होना है झारखंड, लेकिन ट्रेन है 9 बजे रात का, तो इसलिए हम लोग सोचे थोड़ा सा घूम लेते हैं, पटना शहर भी देख लेते हैं, जब आए हैं तो देख ही लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड सुधा, जो कि पटना में ही रहकर आर्ट एंड क्राफ्ट का पढ़ाई करती है, जो पटना में ही है आर्ट एंड क्राफ्ट पटना यूनिवर्सिटी, तो वहीं से वो पेंटिंग का पढ़ाई कर रही है, तो उसको मालूम है, तो उसी के ही मदद से हम लोग थोड़ा घूम रहे थे। तो पटना जो गए, लेकिन वहाँ टाइम था एंट्री का 11:30 बजे तक, तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए थे। ये पार्क भी बंद हो चुका था, क्योंकि जो भी घूमने का जगह था वहाँ पे सबका टाइमिंग एक साथ ही था, 11:30 बजे तक ही एंट्री था, इस वजह से हम लोग घुस नहीं पाए, बाहर से ही देख के वापस लौटना पड़ा। म्यूज़ियम जो कि पटना में है। म्यूज़ियम एक ऐसा स्थान या फिर ऐसा संस्था होता है जो कि कलाकृतियों को, वैज्ञानिक चीज़ों को, कलात्मक चीज़ों को या फिर संस्कृति को या फिर ऐतिहासिक चीज़ों को यहाँ पे संग्रह करके रखा जाता है। म्यूज़ियम इसलिए खोला नहीं जाता है कि यहाँ पे हम देखकर मनोरंजन करें, बल्कि ये शिक्षा के मोटिव से इसको खोला जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे आप हिस्ट्री की चीज़ों को देख पाएंगे, पुरानी चीज़ों को देख पाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। ये म्यूज़ियम के अंदर में ये आंगन जैसा है अंदर में ही। ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक कला है, और इसमें हम देखते हैं कि वो बाल्टी और दूध का कैन, डेगची, ओवन, ग्लास, टिफिन, तो ये सब किचन की चीज़ों से बना हुआ है। और इसे जो बनाए हैं वो जो आर्टिस्ट है वो है
सुबोध कुमार गुप्ता जो कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट है ये। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बुद्धि और ज्ञान से भरा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट बुक कॉपी पकड़े हुए हैं ये लोग पढ़ाई के लिए भी आते हैं। आप देख सकते हैं ये जो कलाकृति है देखने से समझ नहीं आता कि कैसे बना होगा, लेकिन यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे पुराने नियम में और आप उसमें देखेंगे जो मिलाप वाले तंबू है जिसमें परमेश्वर ने कारीगरों को नियुक्त किया था और उन्होंने भी उस मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए बहुत सारे नक्काशी किए थे और परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और ज्ञान दिया था। तो हम मसीह में भी जो हम पुराने नियम जो हमारा हिस्ट्री है जो पुराने नियम से हम जानते हैं बाइबल में हम उसमें भी देखते हैं कि उस टाइम भी बहुत सारे कारीगर थे जो कि पीतल से चांदी से सोने से लकड़ी से वो नक्काशी बनाते थे जो कि परमेश्वर का जो तंबू था भवन था उसमें भी लोग इस तरह से जो दिख रहा है शायद उस टाइप का ही था होगा बट ऐसा तो नहीं लेकिन उस टाइप में नक्काशी लोग करते थे। मैं बाइबल से एक वर्स आपको पढ़कर बताना चाहूँगी निर्गमन 35 का 31 से। इसमें लिखता है और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मनी काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोली आप के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे नकासी करने और गढ़ने वाले और नीले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में गढ़ने और बुनने वाले हों। सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे जो हमारे हिस्ट्री की जो पुस्तक जो बाइबल है पुराना नियम इसमें भी पुराने चीज़ों को नक्काशी करने की आप देख सकते हैं ये लकड़ी का बना हुआ है किस तरह से बनाया गया। Thank you.
कब आ गए हम है इस टाइम। हाय हाय गाइस, हाय गाइस, हम लोग भी नीचे जा रहे हैं। हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। आ गए नीचे तक। मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों मुझे पटना जाना पड़ा, क्योंकि मुझे अपने स्कूल का कुछ काम था। क्लास टेंथ में मेरा सर्टिफिकेट में कुछ करेक्शन कराना था और मैं उस टाइम ध्यान नहीं दे पाई और बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन था इस काम को लेकर। और स्कूल में सबसे पहले जाकर मुझे एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराना पड़ा, वहाँ पर भी काम थोड़ा सा दिक्कत सा लग रहा था, लेकिन वहाँ पे जो भी सर थे बहुत ही उन्होंने हेल्प किया। और मैं बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि कैसे ये मेरा काम होगा, कैसे मैं जाऊँगी वहाँ पे, बट सब कुछ अच्छा से हो पाया। और वहाँ एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराने के टाइम मुझे पुराने सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ रहा था, तो उसे भी निकालने के लिए जो भी वहाँ पे भैया या फिर जो भी वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करते हैं, वहाँ के जो भैया थे जो भी काम करते हैं, वो लोग भी बहुत हेल्प किए। और पटना भी जाने के बाद फर्स्ट दिन जिस दिन हमें ऑफ़िस जाना था, पटना CBSE ऑफिस, क्योंकि मेरा CBSE बोर्ड था, वहाँ पे भी जाके बहुत ढूंढना पड़ा, बहुत परेशान होना पड़ा, रोने का ही मन कर रहा था। लेकिन सुबह निकले थे 11 बजे और हम लोग को मिला 3:30 बजे ऑफ़िस। वहाँ पे ढूंढते ढूंढते पूरा टाइम चला गया था, बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहे थे। लेकिन जैसे गए सिर्फ 5 मिनट में ही काम हो गया, जो एप्लीकेशन जमा करना था तुरंत जमा हो गया। और मैं बहुत डरी हुई थी कि वहाँ पे जाके मुझे डांट मिलेगा, सर मुझे डांटेंगे कि तुम इतने साल कब कहाँ थी, क्योंकि हम 2015 में मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ था और उसके बाद करेक्शन हम ध्यान नहीं दे पाए थे अपना सर्टिफिकेट, तो इतना दिन के बाद गए। बट सर वहाँ पे भी बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि वो अपनी जो भी लेटर वो स्कूल में जाएगा, और सिर्फ 5 मिनट में ही वहाँ का काम हो गया। तो मैं प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी और नर्वस थी, क्या होगा वहाँ पर जाके मुझे डांट सुनना पड़ेगा, और डरी हुई थी और मन ही मन में प्रार्थना भी कर रही थी कि प्रभु मुझे इस चीज़ को पूरा करने के लिए, मतलब इस चीज़ को अच्छे तरह से होने के लिए मेरी सहायता करे। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने सारे कामों को अच्छे तरह से होने में सहायता किया और संभाल के रखा, और सुरक्षित हम घर भी वापस आ गए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं।